बात करी थी मुझसे और क्या बदतमीजी वी डोंट एक्सेप्ट यू क्यों क्यों नहीं एक्सेप्ट क्योंकि तो शादी तो सबके सामने हुई सबको मालूम हुआ पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरा दुनिया जो है इसको देखा मैं हिंदू हूँ इसलिए लेकिन उन्होंने ये नहीं बता मैंने निकाह किया मैंने इस्लाम कबूल किया है अच्छा। तो उनके डैडी ऐसे बोले कि आई डोंट एक्सेप्ट यू अच्छा आप उसके जवाब में आपने क्या कहा मैंने कुछ नहीं कहा मैं कहती हूँ मम्मी पापा आदिल के मम्मी पापा मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करती मैं नहीं करती मैं तो इज्जत जब राखी सावर अपने ससुराल मींस आदिल दुरानी के घर पहुंची तो आदिल दुरानी के माँ बाप ने घर को ताला लगा के पता नहीं कहाँ गायब हो गए। राखी ने दरवाजा काफी देर खटखटाया लेकिन कोई बाहर नहीं आया। राखी सावन घर के पीछे की साइड गई वहां पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा जा रहा है कि आदिल की छोटी बहन थी घर के अंदर लेकिन उसने भी दरवाजा नहीं खोला। राखी सावन ने जो आदिल के घर के आसपास जो घर थे उन लोगों से चिल्ला चिल्ला कर बोला मैं आदिल की वाइफ हूँ ये लोग घर क्यों नहीं खोल रहे आप प्लीज़ मेरा मैसेज मेरे सास ससुर को दोगे या आदिल आएगा तो उनको दोगे कि यहाँ पर राखी आई थी। राखी का कहना है कि उन लोगों से उसने सुबह में बात की थी कि मैं आपके घर आ रही हूँ लेकिन उसके ससुर ने उसके साथ बहुत बदतमीजी से बात की और कहा कि हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि तुम हिंदू हो। और राखी ने यह भी बताया कि आदिल का परिवार मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मैं एक उम्मीद के साथ गई थी लेकिन वहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया मुझे किसी से बात भी नहीं की। राखी ने कहा मैं मैसूर एक उम्मीद लेकर आई थी लेकिन अब मैं ना उम्मीद होकर वापस जा रही हूँ मुंबई। और राखी ने यह भी बताया कि अब मैं जा रही हूँ आदिल की गर्लफ्रेंड रोशिना से मिलने। अब रोशिना के साथ क्या बातचीत होती है राखी की वो तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। राखी एक उम्मीद लेकर अपने ससुराल गई थी लेकिन वहाँ से ना उम्मीद होकर आई। फिलहाल आदिल मैसूर पुलिस कस्टडी में है 5 दिन की रिमांड पर पुलिस ने आदिल को रखा है। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या कहना है क्या राखी को इंसाफ मिल पाएगा आप हमें बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। और ऐसी राखी से जुड़ी हुई मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि सबसे वीडियो आप देख पाएँ।